Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. इस्लामाबाद के रेड जोन में अवामी मरकज में हौलनाक आतिशजदगी। जान बचाने के लिए इमारत से कूदने वाले दो अफराद जां बहक। टैक्स मोहतसिब के दफ्तर का रिकॉर्ड भी जल गया। आग बुझाई जाती है फिर भड़क उठती है। कराची में गुज़श्ता रोज समंदर में डूब कर जां बहक होने वाले एक ही खानदान के अफराद का सफरे आखरत। 11 अफराद की नमाज जनाजा अदा, एक मैयत की नमाज जनाजा बाद नमाज असर होगी। कराची में साहिल पर हिफाजती इंतजाम तो बेहतर ना हुए, पुलिस ने अवाम को साहिल पर जाने से ही रोक दिया, कुछ फिर भी पहुंच गए। मेयर कराची कहते हैं पूरे साहिल पर नफरी तैनात नहीं हो सकती, महकमा दाखिला की जानिब से अमली इकदाम ना होने के बराबर। एबिटाबाद में बारिश से सड़कें नहरों में तब्दील, चलना फिरना नामुमकिन हो गया। मुजफ्फराबाद में भी बारिश, मौसम सुहाना हो गया। थर में हालिया बारिशों के बाद हर सो हरियाली, इलाके का हुस्न निखर गया, सयाहों की जौक दर जौक आमद। कैटेगरी 4 का खतरनाक तरीन समुद्री तूफान इरमा फ्लोरिडा के करीब पहुंच गया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 4 बजे टकराएगा। जॉर्जिया और फ्लोरिडा से 60 लाख अफराद को नकल मकानी के लिए वार्निंग। बड़े पैमाने पर इनखला के बाइस मियामी में सन्नाटा। मजलूम रोहंग्या मुसलमानों और मुहाजरीन के म्यांमार और बांग्लादेश में मुश्किलात बरकरार। इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आज भी आवाम की रैलियां। आलमी बरादरी से रोहंग्या मुसलमानों का कत्लेआम रुकवाने का मुतालबा। रोहंग्या मुसलमानों की हालत इजाद पर OIC का सरबराह इजलास भी आज आस्थाना में होगा।